तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो गैलरी है वो थी दोस्तों, उसके अंदर की सुपर कमाल की टिप बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कूलेस्ट टिप बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी के अंदर, जिसके थ्रू ये जो फीचर है हर बंदे को काम का आता है। बोल सकते हैं ये जो टिप बताने वाला हूँ हर एक बंदे के कभी ना कभी तो काम आएगी आएगी। क्या ये फीचर है, कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि आता है, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी की कूलेस्ट, या बोल सकते हैं सैमसंग गैलरी की सुपर कूलेस्ट टिप बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर चले जाना है गैलरी के अंदर। दोस्तों ये जो टिप है ये किस चीज के लिए है दोस्तों, ये टिप वो है कि मान लो आप, जैसे मैं आप उनके लिए दोस्तों, हमें किसी फोटो का बैकग्राउंड को डिलीट करना हो, या फिर बोल सकते हैं हमें किसी फोटो में से सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हमें बैकग्राउंड इरेजर को किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता था, या फिर बोल सकते हैं कोई ऐप में जाना होता था या ऑनलाइन हमें, तब जाके हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास S23 है तो हम उस पर यहाँ पर थोड़ी टैप करते थे तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉपी और सेव कर सकते थे। बट नॉर्मल सैमसंग गैलेक्सी यूजर में ये सब फीचर अभी नहीं दिए गए। तो हमें अगर अपने हमें किसी फोटो में से ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो और बैकग्राउंड को इरेज करना हो तो हम कर सकते हैं एक सिंपल टिप के थ्रू, वो भी विदाउट एनी कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल हो या कुछ भी डाउनलोड करें। कैसे, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको किसी भी जिसमें से या बोल सकते हैं जिस फोटो को आपको ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उस फोटो में चले जाना है, वहाँ एडिट पे क्लिक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर सर्कल वाला ऑप्शन मिलता है लेसो, आपको उसमें चले जाना है। जैसे ही आप लेसो में जाएंगे बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलेगा शेप टू शेप वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसे पे क्लिक कर लेना है और नीचे फ्री फॉर्म रहता है, ये बाय डिफॉल्ट उसी में रहता है, आपको उसी पे सेलेक्ट कर लेना है। और आपको करना क्या है, आपको उस ऑब्जेक्ट को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है हल्की सी, ऐसा नहीं कोई परफेक्ट हो, कोई आगे पीछे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है और आपको सिंपली उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपका ऑब्जेक्ट वहां पर रिमूव हो चुका है। और आप चाहते हैं कोई अंडरलाइन करना साइड की, आप देख सकते हैं अगर कोई अंडरलाइन करना है उसमें कोई कलर करना तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर डन करना है, सिर्फ डन पे क्लिक कर देना है और आपका काम हो चुका है। और इसको सेव करना हो तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव एज कॉपी जरूर करना, नहीं तो वो उसी फोटो पे ओवरराइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल स्टेप में आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही इजीली बैकग्राउंड से रिमूव कर लिया। कैसे, एक और मैं बताऊँ फोटो को, जैसे मेरी ये वाली फोटो है दोस्तों, अब मुझे इसमें से भी मेरे सिर्फ ऑब्जेक्ट को करना है और बैकग्राउंड को रिमूव करना है, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, एडिट पे जाने के बाद यहाँ लेसो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये मिलेगा, मुझे सिंपली ऐसे करके यहाँ से अंडरलाइन कर लेनी है। ऐसा कोई नहीं, कोई परफेक्टनेस में भी कोई इशू नहीं, आप सिंपली वहाँ से करें और ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये काम करता है। और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बिल्कुल पूरी तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। आपको यहाँ पर इसका जो भी अंडरलाइन करना है तो करिए, नहीं करना नहीं करिए, डन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे सेव एज कॉपी कर देंगे तो ये यहाँ पर परफेक्टली रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड से। आप देख सकते हैं पहले ऐसा, आप देखेंगे रिसेंट में जाके तो वो आपको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कॉपी आपने सेव कर लिए, तो वो आपको मिल जाएगी रिसेंट फोटो में। ये आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए सोचा आपको बताना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये फीचर आपको पता था या नहीं था। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।